ये दोस्तों एक हुंडई एलंत्रा है, टोयोटा कोरोला 2010 मॉडल, एक यारिस, दो यारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो खैर वाफियत से होंगे, सब सेहतियाब होंगे। दोस्तों ये पहली गाड़ी है टोयोटा कोरोला 2010 मॉडल और 4 लाख किलोमीटर चली हुई है, 400 किलोमीटर चली हुई है। ब्लैक कलर की है और गियर ऑटोमेटिक है, इंजन गियर चेचिस वगैरह बिल्कुल सही है। तो आप लोग किलोमीटर पे मत जाइए, बहुत सी गाड़ियाँ रहती है जो कि किलोमीटर कम करके लोग सेल करते हैं। ये देखिए आप लोग 2010 मॉडल, गियर ऑटोमेटिक है, 4 लाख किलोमीटर चली हुई है। इसका ये साइड मिरर का कवर ये नहीं है, एक ये ओरिजिनल है, साइड मिरर जो है ओरिजिनल है बस, बाकी उसका कवर नहीं है। और ये एक प्लास्टिक आता है वो नहीं है। और ये रियर बम्पर, इसका चेक करें आप लोग, हल्का सा डैमेज है यहाँ पे। अगर हरारा देकर इसको गर्म करके ये सही हो सकता है। ये देखिए आप लोग यहाँ से चेक करें, ये इसका ट्रंक जो है सही से बंद नहीं हो रहा है, उसी सद्दाम की वजह से शायद, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। फिलहाल ये बंद है, सही से नहीं बंद हुआ है। और इसका इंजन साइज जो है 1.6 है, XLI, ये GLI नहीं है, XLI है। ये चेक कर लीजिए आप लोग। और ये देखिए अंदर से गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है और गियर ऑटोमेटिक है, चारों के चारों विंडोज पावर है। तो 2010 मॉडल है और 22,000 रियाल इसका प्राइस है, इसने नो सीरियल 22,000 रियाल इसका प्राइस है, 22,000 रियाल। बस यही थोड़ा दिख रहा है मेरे को, बाकी गाड़ी तो माशाल्लाह कंडीशन में काफ़ी अच्छी दिख रही है। और अगर इंजन गियर चेचिस वगैरह सही है तो फिर गाड़ी देखने में अच्छी है। फास वगैरह बिल्कुल नया है। और अभी इसका विंडशील्ड चेक कर लेता हूँ, सामने का इसका विंडशील्ड जो है चेंज है और पीछे का ओरिजिनल है, सामने का वही विंडशील्ड इसका चेंज है, बाकी और तो सब ठीक ठाक है। तो इसका 22,000 रियाल है और लोकेशन है मारद अल कासिया, रियाद, सऊदी अरबी, 8 नंबर। तो अभी नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये दोस्तों एक हुंडई एलंत्रा है, मैं पूछ कर गया था, शायद ये 2015 मॉडल है, पूछ कर गया था तकरीबन जो है 2-4 दिन पहले, फिर आया जिस दूसरे दिन आया इस गाड़ी के लिए, फिर गाड़ी चली गई कहीं, तो अभी आज आई है। तो शायद ये 2015 मॉडल है और 3 लाख किलोमीटर चली है शायद, दोस्तों कंफर्म नहीं है, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा उनसे, बाकी मैं आप लोगों को गाड़ी चेक करवा दे रहा हूँ। यही बताना वगैरह नहीं है, ये छोटा छोटा काम जो है अधूरा करके गाड़ी जब लाते हैं मार्केट में तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए यही छोटा छोटा काम है, बाकी ये देखिए चारों नहीं है, बताना जिसको बोलते हैं अरबी में, वो चारों नहीं है। बाकी गियर इसका ऑटोमेटिक है और चारों के चारों विंडोज पावर है और गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इसका प्राइस है 26,000 रियाल, शायद 25,000 या 26,000 है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि तकरीबन मैं 4-5 दिन पहले बनाया था तो जहन से अभी निकल गया कि कितना प्राइस वगैरह था इसका, तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और इधर एक गाड़ी आई है अभी नई, ये हुंडई एलंत्रा भी उन्हीं के पास है, एक गाड़ी यहाँ पर है, ये MG है 2023 मॉडल, ये देखिए MG 2023 मॉडल और 1 लाख प्लस चली हुई है, एक लाख किलोमीटर से ऊपर चली हुई है, 2023 मॉडल है।
ये MG5, इसका ये लाइट जो है चेंज है, बैक लाइट इसका स्तब बोलते हैं अरबी में, ये चेंज है, टूटा भी है। ये देखिए पुराना दिख रहा क्लियर। सामने से एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, तो दोस्तों इसका मैं बना रहा था वीडियो और उसके बाद में मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, इसका मैं चेक करवा चुका था इंटीरियर वगैरह। कैमरा जैसे ही पास ले जाता हूँ तुरंत शायद सेंसर पे हीट पड़ता है या किस पे, मोबाइल तुरंत जो है लैग करने लगता है, पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया था इसका। तो इसका प्राइस है 23,000 रियाल, सॉरी दोस्तों 2023 मॉडल है और 1 लाख प्लस चली हुई है, 31,000 रियाल इसका प्राइस है, 31,000 रियाल वाहिदो 30,000 MG5 2023 मॉडल। बाकी इधर एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी गाड़ी है और है, ये टोयोटा यारिस, इसका डिटेल वगैरह कुछ है या नहीं है, टोयोटा यारिस 2022 मॉडल स्टैंडर्ड बस 44,000 रियाल, असर नकदी शामिल दरीबा, ये चेक करें दरीबा उसमें शामिल है, 2022 मॉडल है और ये 75,348 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये चेक करें। लिखने का स्टाइल देखिए माशाल्लाह किस तरह लिखा हुआ है, ये मॉडल लिख दिया और ये मीटर बना के नीचे किलोमीटर लिख दिया और ये प्राइस हो गया, तो 44,000 रियाल है। एक बार गाड़ी आप लोग चेक कर लीजिए, 2022 मॉडल है, 75,000 किलोमीटर चली हुई है, टोयोटा यारिस, पीछे 4 पार्किंग सेंसर और एकदम क्लियर दिख रहा है, इसका रियर बम्पर जो है रिपेंट है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसका बम्पर जो है रिपेंट है। बाकी और तो गाड़ी माशाल्लाह सही दिख रही है और इंटीरियर बिल्कुल साफ़ सुथरी, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, गियर ऑटोमेटिक है, चारों के चारों विंडोज पावर है। तो 44,000 रियाल इसका पर आई है, अरबो और बैनर 44,000 रियाल। और इधर ये H1 है, ये 2021 मॉडल होंडाई H1 2021 मॉडल, 1,96,000 किलोमीटर चली हुई है, 196,476,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और इसका प्राइस है 60,000 रियाल, 60,000 रियाल इसका प्राइस है, 2021 मॉडल है, फुल ब्लैक कलर की होंडा H1, ये पेट्रोल है, अगर डीजल होता तो शायद गाड़ी पे लिखा रहता डीजल, तो पेट्रोल ही है ये, ये चक्कर है, इसमें मेरा पैर फंस गया, तो ये चक्कर है। बहरहाल पार्किंग सेंसर है, अभी रियर कैमरा नहीं है दोस्तों इसमें, और सीट आप लोग चेक करें, इसमें बाद में भी सीट लग सकता है, ये चेक करें, पीछे बिल्कुल खाली है तो पीछे एक सीट लग जाएगा, और ये सबसे पीछे हो गया बीच में, अभी मोबाइल भी लैग करने लगा, ये देखिए जैसे ही मैं मोबाइल करीब ले जाता हूँ तुरंत मोबाइल जो है लैग करने लगता है, और ये स्टे ये चेक करें, गियर ऑटोमेटिक है, बाकी विंडोज इसके पावर है, और 2021 मॉडल है, 2.4 इसका इंजन साइज है, बाकी पेट्रोल है, ये बेंजीन इसका वाहिदो 30 है, 91 बेंजीन इसका। ऐसे करें कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं चेक करवा दूँ आप लोगों को, कुछ ना छूटे लेकिन मोबाइल नहीं साथ दे रहा, क्या कर सकते हैं। तो इसका प्राइस जो है 60,000 रियाल है, 21 मॉडल है, 1,96,000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी इधर कौन सी गाड़ी है, ये कामरी 23 मॉडल है, चलिए एक बार इसको भी आप लोगों को शेयर करवा देना, सिर्फ प्राइस
ये 2023 मॉडल है, जदीद है, असफार, एक भी किलोमीटर गाड़ी नहीं चली है 2023 मॉडल की। इसका प्राइस है 97,000, 97,000 रियल, 1,00,000 में 3,000 कम है। वाइट कलर की टोयोटा कैमरी 2023 मॉडल। एक बार इसका लुक आप लोग चेक कर ले, ये असफार गाड़ी है दोस्तों, 0 मीटर है इसका, LE है, ये चेक करें। ये मिट्टी बहुत है गाड़ी पे तो इंटीरियर नहीं दिखेगा। बाकी ये शीरी है 2023 मॉडल और जदीद, ये भी नया है, जदीद लिखा हुआ पेपर पे, ये भी 0 मीटर है, एक भी किलोमीटर ये भी गाड़ी नहीं चली हुई है। और इसका प्राइस 37,500, 2023 मॉडल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में क्या कर रहा हूँ, तो मोबाइल हीट हो गया था, ये अभी एसी चला के यहाँ पे मोबाइल रख रहा हूँ ऐसे, तो जाके मोबाइल काम कर रहा है। मैं सोचा आप लोगों को एक बार चेक करवा दूँ, गर्मी बहुत है इस वजह से। और ये गाड़ी है टोयोटा हाइलुक्स, अभी मैं इसका बना रहा हूँ, पहले वहाँ पर चलता हूँ, पहले मोबाइल को जो है कूल करता हूँ। मैं सोचा एक बार आप लोगों को चेक करवा दूँ कि मोबाइल, तकरीबन दो या तीन मिनट वीडियो बनाया था, या 4 मिनट हो गए होगा, उसके बाद मोबाइल जो है लैग करने लगा, मोबाइल काम करना छोड़ दिया था, तो फिर से आके बैठा हूँ, अभी मोबाइल काम करने लगेगा फिर इंशाल्लाह वहाँ, अभी तो काम कर रहा है लेकिन फिर बाहर थोड़ी देर और जो है मोबाइल एसी के पास करके इसको थोड़ा कूल करूँगा, फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसका मैं चेक करवा रहा था, ये चेक करें, चेरी है, रिजो 5, पार्किंग सेंसर है, बिल्कुल नहीं हुआ है, 0 किलोमीटर, कैमरा वगैरह नहीं है, मैं चेक कर रहा था रियर कैमरा है या नहीं और क्या क्या है, बस यही है, बिल्कुल नहीं हुआ, 0 किलोमीटर। अभी यहाँ पर ले जाने से मैं डर रहा हूँ। और क्या है, क्रूज़ वगैरह सब है, क्रूज़ है स्टेयरिंग पे और चाबी से गाड़ी स्टार्ट होगी, बाकी तो गाड़ी बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसका जलन जो है, हैंड ब्रेक इसका बटन द्वारा है, वो जस्ट जो है गियर के पहले है। और इधर भी एक H1 है, एक H1, 2, 3, 4, 5 खड़ी हुई है, तो सब यही तकरीबन सबका प्राइस सेम ही है, बाकी इस पर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये भी चेरी है, ये सब न्यू गाड़ियाँ है, 2023 मॉडल है, 36,000 का, जदीद है, असफार। ये कौन सा मॉडल है, एसी, ये भी 21 मॉडल है, ये भी 21 मॉडल है, सब न्यू गाड़ियाँ दोस्तों, पुरानी गाड़ियाँ। ये टोयोटा यारिस एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है इस पर कुछ मिल जाए प्राइस वगैरह, एक यारिस, 2 यारिस, कुछ नहीं है इस पे, इस पर भी कुछ नहीं है। यही है ना दोस्तों, अभी जिन गाड़ियों का डिमांड ज़्यादा है उस पर अभी कुछ भी डिटेल नहीं है। बाकी एक मेरे पास हाइलुक्स है, तो बाकी दोस्तों ये है मेरे पास जो है हाइलुक्स है, और ये 2016 मॉडल है, 86,000 किलोमीटर चली हुई है, 86,000 किलोमीटर, और गियर इसका मैनुअल है, जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा था। और इसका प्राइस जो है वो 65,000 रियल, टोटल गाड़ी जो है वकाला है, ओरिजिनल है, कहीं से गाड़ी रिपेंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। एक बार मैं आप लोगों को चारों तरफ से चेक करवा दे रहा हूँ, ये देखिए, टोयोटा हाइलुक्स 2016 मॉडल, और माइलेज इसका है 86,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और ये चेक करें इंटीरियर,
ये 16 मॉडल है, मेरे पास ऑटोमेटिक भी है 16 मॉडल की। तो अगर किसी को चाहिए ऑटोमेटिक तो वो जो है, मेरा नंबर स्क्रीन पर आप लोग दिख रहा होगा, उस पर आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं। ये चेक करें कि ये आईडी है, और इसी में जो है मैं बैठकर मोबाइल को कूल करता हूँ, ठंड करता हूँ। और दोस्तों इसमें जो है पार्किंग सेंसर वगैरह सब है, ये टू टू की आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी। तो ये वाली गाड़ी दोस्तों मेरे पास है, मेरे पास है का मतलब ये है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो तनख्वाह पे काम करता हूँ, 1600 रियाल मेरा पगार है सऊदी में, और ये गाड़ी का रेट है 65,000 रियाल, 560 नल। तो अभी और गाड़ियों का वीडियो बनाना था लेकिन मोबाइल काम करना छोड़ दिया दोस्तों। और बहुत से भाई लोग सोचेंगे कि ये जो है गाड़ी मेरे पास है तो मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी नहीं दोस्तों, ये मेरे कफील की गाड़ी है, मैं तो काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह है 1600 रियाल। तो ये तो गाड़ी मेरे पास है, अगर किसी भाई को चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर मेरा दिख रहा होगा, आप लोग जो है उस पर रब्ता कर सकते हैं। और कोई डिटेल मालूम करनी हो और कोई, तो बिना झिझक आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा उतनी जो है मैं मदद करने की कोशिश करूँगा आप लोगों की। और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।